नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को बारिश के साथ ओले गिरे। आईएमडी के मुताबिक 1 अप्रैल को कई राज्यों तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने बताया है कि 1 अप्रैल को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा विभाग के नए अपडेट के मुताबिक 2 अप्रैल से तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली का शनिवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को यूपी के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी में बारिश तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा 1 अप्रैल को यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत में 4 अप्रैल तक आंधी तूफान, बिजली कड़कन के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही मध्य भारत के कई इलाकों में भी आज आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम से जुड़ी हर अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।